खबर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाले से है, जहां पिछला बार मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी उमरिया जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के निर्देशन व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पाली शहरी क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा बीते दिन पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने का विरोध करते हुए स्थानीय सड़कों में नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध स्वरूप कार्यकर्ताओं ने तख्तियों में नारे लिखकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा, प्रेमचंद गुप्ता, भरत प्रजापति, के बी वर्मन, ब्रजेश तिवारी, कामता विश्वकर्मा, दीपक दास, संतोष केवट, बसंत राय, रत्नाकर सिंह, पुष्पराज सिंह, प्रेमलता वर्मन, लक्ष्मी नारायण, नीरज राय, प्रवीण तिवारी, सुमित द्विवेदी, लल्ली यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष जी हमारे हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया था जो पंजाब सरकार द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका गया था, उसके विषय में हमने ये प्रदर्शन किया है, ये जो काफ़ी निंदनीय है। आज ये मानव श्रृंखला कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। जिले के अशोक जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले को रोका गया फिरोजपुर में, हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।